गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा क्या चल रहा है? अल्फाबेट। हम कहाँ तक कर चुके हैं अल्फाबेट? पी। पी तक कर चुके ना। आज हम अल्फाबेट करेंगे क्यू आर एस। कौन से अल्फाबेट करेंगे? क्यू आर एस, ठीक है। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। और देखिए, मैंने लाइन खींच ली ना, आपकी फोर लाइन की नोटबुक होती है ना, इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक होती है, तो उस पर हमें प्रॉपरली लिखना है लेटर कौन सी लाइन से स्टार्ट होगा और कितनी लाइन में बनेगा। करें स्टार्ट। फर्स्ट लेटर क्या हमारा? क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्यू कैसे बनेगा? पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ओ बनाते हैं ना, अभी ओ बनाना सीखा था, ओ बनाएंगे, फिर इसमें इधर से एक कट आएगा, क्या बन गया ये? क्यू फॉर क्वीन। थ्री लाइन में बनाने। अब नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? आर। आर, आर फॉर रैबिट। आर फॉर रैबिट, सभी देख रहे हैं, व्हाइट कलर का बड़ा प्यारा सुंदर सा होता है। तो अब हम बनाएंगे रैबिट। फर्स्ट हम लाइन खींचेंगे, फिर इसको टू लाइन से इधर ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर नीचे से ऐसे कर देंगे, क्या बन गया ये? आर फॉर रैबिट। ये भी थ्री लाइन में बना ना, बिल्कुल प्रॉपरली। तो आपको लाइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा लेटर? एस। एस फॉर सन। देखो कैसे बना, हमने इसको ऊपर से ऐसे पेंसिल को पहले ऐसे घुमाया, फिर यहीं से इस पेंसिल को उल्टा टर्न किया, क्या बन गया ये? एस फॉर सन। तो ये क्या थे हमारे कैपिटल लेटर। अब हम इन्हीं के स्मॉल लेटर लिखेंगे, स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे, ठीक है। क्या हो देखो, पहले हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे, फिर इसको इधर से हम लाइन लेके आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा इधर उल्टी लाइन ले जाएंगे, क्या बन गया ये? स्मॉल क्यू। अभी आप देखेंगे कि हम स्मॉल जी बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। अब क्यू ऐसे, तो बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जो हमारा स्मॉल जी बनता है उसको हम ये वाला जो कट है ये आगे से लेते हैं, अब क्यू में इसको हम पीछे से लेते हैं। समझ में आया डिफरेंस? देखिए, जी का हमने आगे से लिया, क्या होगा पीछे, ये डिफरेंस है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना जितना, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम स्मॉल आर। स्मॉल आर, पहले इसको ऐसे लेके आएंगे, फिर इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, क्या बन गया हमारा? स्मॉल आर। और बेटा एक आर स्मॉल, वैसे हम आपकी बुक में ये वाला आर दिया हुआ है, पर हम जब अल्फाबेट करते हैं तो हम कौन सा आर लिखते हैं? ये वाला आर करते हैं। बस ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको कराया है, बाकी हमारा जो स्मॉल आर है अल्फाबेट में हम जब लिखते हैं ये वाला लिखते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? ये बीच की टू लाइन में बनेगा। देखिए, इधर से हमने पेंसिल को लिया, ऊपर लेके फिर इसको यहीं से उल्टा मोड़ा, फिर इसको ऊपर लेके ऐसे। इसको आपकी थोड़ा सा इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आपको ये समझ आ जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। स्मॉल एस बिल्कुल सेम ऐसे बनेगी, ये थ्री लाइन में बना है, स्मॉल एस बीच की टू लाइन में बनेगा, बिल्कुल ऐसे सेम। देखिए, पहले हमको इधर पेंसिल ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे,
बहुत इजी है। जैसे हम इमली बनाई थी ना, हमने इमली में ऐसे ऐसे नहीं घुमाया था, उसमें ऐसे बनाते हैं। अब इसको इसको बस इतना सा देखो, अगर हम इसको हटा देते हैं ऐसे तो बन गया ना स्मॉल एफ। ठीक है, तो हम इनको रीड कैसे करेंगे? कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल एफ, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एफ। तो आप अपने बुक में वर्क करना और नोटबुक में भी इनकी प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से लिखना आएगा। कैपिटल लेटर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने।